सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते अनि सेवान्ने, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आप लोगों को एक बार संजोग राय ब्लॉग्स में स्वागत है। तो अभी मैं अपना किचन से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ देख सकते हैं ये मेरा बिल्ली, छोटा सा बिल्ली है, बहुत ज़्यादा म्याऊं 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 करती रहती है। तो अभी रूम से मैं अपना किचन से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं अपना घर में हूँ तो अभी खाना बनाना है मुझे, यहाँ पर खाना बनाना है, उसके बाद में और भी काम करना है। इससे पहले मैं खाना बनाने से पहले मम्मी बोल रही थी मुझे कि चिकन बनाना है आज, तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा चिकन लाने के लिए। जो का दुकान है मामा, मेरे अपना ही मामा का दुकान है, वहाँ जाके चिकन लेंगे और उसके बाद में हम अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। और आज मैं अपना घर का ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आई होप सो कि आप लोग इस ब्लॉग को भी अच्छे से प्यार देंगे, और जिस तरह से मेरा पहले पास्ट वाला ब्लॉग में आप लोग जिस तरह से प्यार मुझे दे रहे थे उसी तरह से प्यार हमको देंगे, आपको पता है, हमको पता है। सो रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग को और अच्छा कंटेंट देने का मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले अभी निकलते हैं मीट लेने के लिए, चिकन लेने के लिए जाएंगे, उसके बाद में आप लोग को यहाँ का जो भी बाहर का व्यू है आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं चिकन लाने के लिए। तो अभी हम मीट लेने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर अभी एक फल दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये हम लोग के घर में ये फल होता है, देखिए ये आरोजा पका, इसको पका नहीं है, अब पकेगा इसको अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया होता है आरोजा, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है आरोजा। तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता जा रहा हूँ क्योंकि रोड से भी वो दुकान पहुँचेगा मगर हम वहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है और इसी रास्ता के थ्रू मुझे जाना है मामा की चिकन दुकान में, और जितना भी जो भी है चीज़ आप लोगों को मैं दिखाते रहूँगा। इसी तरह का रास्ता होता है पहाड़ी इलाका में, बीच में जंगल के बीच में ही रास्ता हो, छोटा रास्ता होता है और उसी तरह से हमको पार होकर जाना पड़ता है, जैसे कि प्लेन साइड में और अदर साइड में तो रास्ता क्लियर दिखाई देता है मगर यहाँ पर इस तरह का रास्ता होता है जहाँ पर जंगलों को पार करके हमको आगे बढ़ना है। तो अभी जा रहा हूँ मैं और आप लोगों को ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ। और हालांकि यहाँ का वेदर अभी बहुत ज़्यादा में प्लेजेंट टाइप का है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पर, ना गर्मी है ना ठंडा है, बहुत ही अच्छा है। और प्लेन साइड में तो अभी लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था, दिल्ली वगैरह में दिखा रहा था कल, मगर यहाँ का एकदम एवरेज टेम्परेचर अभी 26-27 डिग्री ही पहुँचता है। और छुट्टियाँ मनाने के लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अच्छा है, तो आप लोग आके छुट्टियाँ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले पहुँचूँगा वहाँ पर और उसके बाद में आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। अभी तो हमको ये सब पार होके जाना है, तो चलते हैं। और पेड़ आप लोगों को दिखाने का मन हुआ, ये आप लोग देख रहे हैं पेड़, ये स्पेशली हिमालय एरिया में, दार्जिलिंग इलाका में ही आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है धुप्पी। और ये एवरग्रीन मतलब कि चिरहरित वृक्ष है, ये कभी भी सूखता नहीं है, एकदम हरा भरा दिखाई देता है। और ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है पेड़। और आप लोगों को मैं अभी मैं रोड पहुँचा हूँ और वहाँ पर अभी एक घर देख रहे हैं, वहीं घर मेरा मामा घर है और वहीं पर मुझे मिलेगा चिकन। तो अभी यहाँ से मैं आप लोगों को इस साइड का व्यू भी दिखा देता हूँ। देखिए आप बादल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन में कोहरा ही कोहरा है, अभी कभी भी बारिश हो सकता है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे का व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। मामा के घर अभी मैं पहुंच चुका हूं और यहां पर देख सकते हैं ये जो इसको झोड़ा वाला झोड़ा बिगड़ गया है और काम यहां पर हो रहा है, रोड्स के काम हो रहा है। और आप लोग एक और चीज़ दिखा देता हूं, यहां पर हम लोग का देसी दार्जिलिंग का प्योरली ऑर्गेनिक मूली देख सकते हैं, ये मूली बहुत ज़्यादा मतलब में अच्छा बहुत बढ़िया है। और अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से मुझे लाना है चिकन लाना है, तो देखते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है मगर फिर भी ये एरिया का जो रोड है बहुत ज़्यादा मात्रा में
कच्ची हो गया है और इस चीज़ के विषय में विभागीय कदम चलना चाहिए। ये मेरा वीडियो के थ्रू मैं बोल रहा हूँ। जितना भी यहाँ पर जो भी है ठेकेदार है, जो भी है यहाँ पर, जो भी है जितना भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो भी है यहाँ का GTA का, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरा वीडियो के थ्रू कि आप लोग ये मैमरिंग टू बागोड़ा का जो रूट है जल्द जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में परेशानी हो रहा है और ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सारा चीज़ बोल रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं मैं अपना चिकन लेके चल गया हूँ, और हालांकि दुकान में नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डॉग था, डॉगी था मामा का, तो थोड़ा सा डर लगता है डॉगी से, तो वहीं से रोड में ही मंगा लिया मैंने अपना ये चिकन। तो अभी जा रहा हूँ और जाने के बाद में वहाँ पर जाके प्रिपरेशन करेंगे घर में, और आप लोगों को दिखाएंगे भी प्रिपरेशन में कैसा करूँगा क्या करूँगा। तो अभी डेली इसी तरह से मेरा लाइफ चल रहा है, अपना घर में मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और अपने आप को साथ साथ में आप लोगों को भी अपडेट दे रहा हूँ। अब थोड़ी दिन बाद में एक अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़े दिन बाद में 2-3 दिन बाद में मैं अपना छुट्टियाँ मनाने के लिए नेपाल के टूर में जा रहा हूँ, और ये व्लॉग नेपाल का व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत जगह मैं घूमने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है मेरा मुझे और आप लोगों को दिखाने का मन भी है। तो चलते हैं, पहले हम जाएंगे अपना पहले घर और उसके बाद में लंच प्रिपेयर करेंगे, और वो जो नेपाल का विषय में आप लोगों को मैंने बोला है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो पहले हम घर चलते हैं और घर चलने के बाद में वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं अभी घर में आके यहाँ पर चिकन के लिए मसाला रेडी कर रहा हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर मुझे, कि पुराना ज़माना का मैं मिक्सी विक्सी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सिलौटा से मैं मसाला को पिसाई कर रहा हूँ। अभी देख सकते हैं अभी मेरा लगभग रेडी होने वाला है, और मसाला को रेडी करते 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 हम थक भी गए, मगर फिर भी ठीक है अभी काम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए फाइनल मसाला तैयार हो चुका है, और मेरा यहाँ पर एक और चीज़ देखिए चिकन भी एकदम प्लेट में मैं सजा के रख दिया हूँ, और चिकन को मैं एक काम किया हूँ इस बार कि थोड़ा सा नया तरीके से बनाया हूँ चिकन को। तो चिकन को पहले मैं क्या किया हूँ, तेल में बढ़िया तरीके से तल रहा हूँ, फ्राई हो रहा है चिकन, और चिकन के साथ में हम यहाँ पर देसी दार्जिलिंग का मूली मिलाने वाले हैं। और जब काम करते करते थक गए तो थोड़ा बहुत फिर से आके रूम में आके मैं रेस्ट मार रहा हूँ, और रेस्ट करने के बाद में फिर से हम चले गए किचन के तरफ, और किचन में अभी पक रहा है ये आपका बी देसी बी, देसी बी को मैं चला रहा हूँ, ये तो बहुत ही कड़वा होता है। यहाँ पर अभी आप लोगों को मेन चीज़ दिखा रहा हूँ, ये मूली और जो मेरा चिकन है उबल रहा है, उबल मार रहा है, अभी लगभग रेडी हो चुका है। तो अभी लगभग खाना पकने जा रहे हैं, यहाँ पर अभी आप लोगों को मैंने दिखाया चिकन और मूली भी रेडी हो गया, और यहाँ पर बी भी रेडी हो गया है, और दाल तो पक गया है और चावल पक गया है। तो इसी तरह से अभी खाना बना रहा हूँ, और खाना बनाने के बाद में खाना भी है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरा इधर पानी में मैं थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि पानी गर्म पानी ही यहाँ पर हम लोग पीते हैं, ठंडा पानी उतना पीते नहीं है। तो अभी खाना बनाएंगे, और खाना बनाने के बाद में खाना खाना है, और आप लोगों को कुछ और भी चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। और इसी तरह से मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपने घर में खाना बनाने के एंजॉय कर रहा हूँ, और आप लोग देख ही रहे हैं। तो ठीक है, अभी तैयार होने के बाद मैं आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी खाना पीना मेरा हो गया है, और अभी लगभग 1 बजने वाला है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और आज आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैं अपना घर में कभी कभी इस तरह से काम भी करता हूँ, कभी कभी खाना पीना बनाना, साथ साथ में अपने आप को बिजी रखना भी काम करता रहता हूँ, कभी कभी घूमने से अच्छा कभी घर में रह के
अपना डेली काम भी हम करते हैं। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए मैं पहले ही दे चुका हूँ कि आफ्टर टू डेज मैं जा रहा हूँ, नेपाल जा रहा हूँ। नेपाल का बहुत सारा ऐसा जगह मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मैं ये खबर शेयर कर रहा हूँ। और तो वहाँ पर भी आप लेके जाएंगे और आज आप लोगों को मैंने दिखाया मेरा डेली काम, आप लोगों को कैसा लगा। आई होप सो कि आप लोगों को, आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लगातार करते रहेंगे, आप लोगों के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए समर्पित है, साथ साथ में ये ब्लॉग के कारण माध्यम द्वारा मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट के कारण, सपोर्ट का ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से संजोग राय ब्लॉग्स देखते रहिएगा और हैप्पीनेस स्प्रेड करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नया कंटेंट के साथ में और नया जोश के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट और सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलते हैं, तो फिर मिलेंगे चलते चलते।